Hello, my all dear students. I hope you all are fine. Today we are going to start with the summary of the chapter, The Case of Sharp-Eyed Jeweler, Chapter Number 8, Class 8, DAV Board. इस चैप्टर में सबसे पहले जो पर्सन है, जो प्रोटैगनिस्ट है, जिसके आसपास सारी स्टोरी घूमती है, वो है विलियम मॉरिस. प्रोटैगनिस्ट हम उस पर्सन को बोलते होते हैं जिसके आसपास सारी स्टोरी घूम रही होती है. ज़रूरी नहीं है कि वो हीरो हो, वो विलन भी हो सकता है चैप्टर का, या वो कोई और करेक्टर भी हो सकता है. मीन्स जो मेन करेक्टर है उसको हम प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं. तो इस चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट है विलियम मॉरिस. विलियम मॉरिस जो है वो एक ज्वेलरी शॉप के ऊपर एज अ असिस्टेंट काम करता है. असिस्टेंट मीन्स हेल्पर काम करता है, सेल्स मैन है शॉप के ऊपर. और शॉप का नाम है रेगनियर्स, जो कि एक बहुत ही फेमस शॉप है अपने एरिया की या अपनी सिटी की. अब चैप्टर में सिटी का नाम या एरिया का नाम दिया नहीं हुआ, लेकिन अगर हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर शॉप है, प्रॉबेबली लंदन में है. जबकि ये दोनों नाम दिए नहीं हैं, तो आपने पेपर में ये मेंशन नहीं करने. तो वहाँ पर ये शॉप है, ठीक है. ब्रिटिशर्स हैं विलियम मॉरिस और रेगनियर दोनों ही. अब विलियम मॉरिस जो है उसको बहुत ज़्यादा शौक है क्राइम और क्रिमिनल नॉवेल्स पढ़ने का, और क्राइम और क्रिमिनल नॉवेल्स पढ़ पढ़ के उसने अपनी हैबिट बना ली है. कैसी हैबिट बना ली है? दूसरों को ऑब्ज़र्व करने की. वो सबका बिहेवियर, सबके हाव भाव, सबकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ध्यान से देखता है और इंसान को समझ जाता है कि कौन किस तरह का इंसान है. अब एक दिन होता क्या है कि वो अपनी शॉप के ऊपर सुबह सुबह ज्वेलरी जो है उसको डिस्प्ले कर रहा होता है, ठीक है. डिस्प्ले मतलब ज्वेलरी के बॉक्सेस को खोल खोल के सजा रहा होता है विंडो में. तो जब विंडो से बाहर देखता है तो सड़क के दूसरी ओर ऑपोजिट साइड पे एक शॉप है, अंडरटेकर्स शॉप. अब फॉरेन कंट्रीज़ में ये अंडरटेकर की शॉप्स होती हैं, जहाँ पे जो लोग जिनकी डेथ हो जाती है उनके लिए सामान मिलता है. मतलब जो डेथ का सामान होता है, आई मीन टू से जो फ्यूनरल का सामान होता है, वो मिलता है वहाँ से. तो उस अंडरटेकर शॉप के बाहर एक लेडी खड़ी हुई है, जिसने येलो कलर का एक कोट पहना हुआ है, सैंडल्स पहने हुए हैं, बड़ी अच्छी लग रही है. और उसका जो कोट है उसके ऊपर बहुत अच्छा ब्लैक कलर का डिज़ाइन है. अब वो खड़ी होकर अंडरटेकर की शॉप को देखती रहती है. तो जो विलियम मॉरिस है बड़ा हैरान होता है कि भाई इस तरह का कौन सा इंसान होता है जो अंडरटेकर की शॉप के बाहर खड़े होकर देखी जाए. अंडरटेकर की शॉप में देखने वाला होता ही क्या है, वहाँ पर क्या विंडो शॉपिंग कर सकता है कोई. तो वो बड़ा हैरान होता है और उस लेडी को बहुत ध्यान से देखता है. अब थोड़ी देर बाद उसकी शॉप के ऊपर एक आदमी आता है, जिसका डिस्क्रिप्शन लेसन के अंदर बहुत ज़्यादा दिया हुआ है. मतलब उसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि वो फिज़िकली कैसा दिखता है, उसके बाल स्ट्रेट है, उसने रंग बिरंगी टाई पहनी हुई है. और विलियम मॉरिस जो है गेस करता है कि ये पक्का अमेरिकन है, क्योंकि ये इस तरह के रंग बिरंगे से उसने कपड़े पहने हुए हैं और ऊपर से च्युइंगम भी खा रहा है. और उसका जो एक्सेंट है, बोलने का जो लहजा है, उससे भी पता चल रहा है कि वो एक अमेरिकन है. अब वो जो अमेरिकन होता है वो आके विलियम मॉरिस से डिमांड करता है कि उसने एक रिंग बाय करनी है. तो वो उससे पूछता है कि हाँ जी सर, आपने किस तरह की रिंग बाय करनी है. तो वो उसको कहता है कि मतलब मुझे कोई भी अच्छी सी रिंग दिखा दो. जिससे विलियम मॉरिस को ये पता चल जाता है कि जो अमेरिकन है उसको ज्वेलरी की कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसने कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन नहीं बताया, कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं बताया कि उसको किस तरह की रिंग चाहिए. वो सिर्फ रिंग को रिंग के प्राइस से जज कर रहा है. अब विलियम मॉरिस जब उसको रिंग्स दिखाता है तो वो महंगी से महंगी रिंग देख रहा है, मतलब प्राइस से जज कर रहा है कि अच्छा ये ज़्यादा महंगी है तो ये ज़्यादा अच्छी होगी. अदरवाइज़ उसको ज्वेलरी की कोई नॉलेज है नहीं, ये विलियम मॉरिस को पता चल जाता है. अब वो उसको रिंग्स दिखा रहा होता है, तो जो विलियम मॉरिस है उसको रिंग दिखा रहा होता है. तो फाइनली वो उसको एक बहुत सुंदर, एक बड़ी प्यारी फ्लावर रिंग दिखाता है, जिसके अंदर डायमंड्स लगे हुए हैं, रूबीज़ लगी हुई हैं. ऐसी फ्लावर रिंग उसको शो करता है उस अमेरिकन को. अमेरिकन का भी नाम नहीं दिया हुआ स्टोरी में. तो उसको वो रिंग काफ़ी अच्छी लगती है. इतने में वो अमेरिकन उसको कहता है कि वो जो दूसरी एक और ट्रे पड़ी है ना भैया, प्लीज़ वो भी दिखाना. तो विलियम मॉरिस जितनी देर में वो ट्रे उठाने के लिए झुकता है और काउंटर में से ट्रे उठाता है और उठा के दोबारा से ट्रे उस टेबल के ऊपर रखता है दिखाने के लिए, तो वो देखता है कि वो जो फ्लावर रिंग है ना वो वहाँ से गायब हो गई है. अब विलियम मॉरिस उस फ्लावर रिंग को ढूंढने लग जाता है और वो उस अमेरिकन से भी पूछता है. तो अमेरिकन उसको कहता है कि क्या मतलब तुम मुझे चोर समझते हो, मेरे पास तो नहीं है वो रिंग. तो इतने में विलियम मॉरिस जो है वो रेगनियर का जो मालिक है, जिसका एक्चुअल नाम रेगनियर ही है, मिस्टर रेगनियर, उसको बुलाता है और उसको बुला के कहता है कि जो ये रिंग है मतलब वो डिसअपियर हो गई है.
अब मिस्टर रेगनियर और दुकान पे एक और लड़की काम करती है, मिस सस्केन, वो सब मिलके, यहाँ तक कि वो अमेरिकन भी सारे मिलके उस रिंग को ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि वो रिंग रेगनियर, मिस्टर रेगनियर की सबसे फेवरेट रिंग है। एक्चुअली मिस्टर रेगनियर उसको अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं उस रिंग को, और उसको बेचना चाहते नहीं हैं, ठीक है। तो अब वो क्या है, सब लोग उसको ढूंढने लग जाते हैं। फाइनली जो मिस सस्केन है वो कहती है अमेरिकन को कि तू अपने ट्राउज़र के टर्न अप्स को देख। टर्न अप्स क्या होता है, जो हमारे ट्राउज़र यहाँ पैंट की जो मूरी होती है, जो पैर के पास का जो एरिया होता है, मूरी होती है, वहाँ से ट्राउज़र फोल्ड होता है, उस टाइम पे शायद बाहर की तरफ फोल्ड होता था। तो वो कहते हैं कि शायद उसमें देख लो कि तुम्हारे पैंट के जो टर्न अप्स हैं उनमें तो नहीं गिर गिरी, यानी ट्राउज़र का जो पैर वाला एरिया है वहाँ से ट्राउज़र फोल्ड किया हुआ है, तो उसके अंदर रिंग तो नहीं गिर गई। इस बात पे जो अमेरिकन है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है मिस सस्किन की तरफ, थोड़ा अगली फेस शो करता है, लेकिन वो उसके टर्न अप्स को चेक करते हैं। तो उसके बाद विलियम मॉरिस नोटिस करता है कि जो वो अमेरिकन है उसने च्युइंगम जो वो खा रहा था उसको च्यू करना, चबाना बंद कर दिया है। तो फिर च्युइंगम कहाँ गई, क्या वो उसको निगल गया है, या अगर उसने उसको स्पिट किया तो कहाँ स्पिट किया, मतलब थ्रो किया च्युइंगम को तो कहाँ किया, क्योंकि उनकी शॉप में उसने उसको थ्रो करते नहीं देखा, और कोई डस्टबिन भी इन्होंने चैप्टर में मेंशन नहीं किया हुआ। अब उसके बाद जो है उसके टर्न अप्स में से, पैंट के टर्न अप में से रिंग नहीं मिलती, तो अमेरिकन इस बात पे जो है वो खुश हो जाता है। अब इस बात पे जो विलियम मॉरिस है वो उसको सफाइयाँ देता है अमेरिकन को कि सर हम आपके ऊपर शक नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है जब हम उसको ये सारा केस बताएंगे तो हम ये भी तो बताएंगे ना कि हमने बहुत अच्छी तरह से सबको सर्च किया था। वो उसको कहता है कि आप प्लीज़ अंदर ऑफिस के अंदर चले जाइए, तो वहाँ मिस्टर रेगनियर जो है वो आपको अच्छी तरह से आपकी तलाशी लेंगे, और आप प्लीज़ कोऑपरेट करिए। मिस्टर रेगनियर जो हैं वो अमेरिकन को अंदर ऑफिस में ले जाते हैं उसकी तलाशी लेने के लिए, और उसी समय जब वो उसको अंदर ले जाते हैं तो एक और कस्टमर दुकान पे आ जाता है, और ये कस्टमर कोई और नहीं, वही लेडी है जो अंडरटेकर की शॉप के बाहर खड़ी होकर उस शॉप को काफ़ी देर तक देख रही थी, उसमें डिस्प्ले किया हुआ सामान देख रही थी, जबकि अंडरटेकर की शॉप में देखने लायक कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। अब वो लेडी अंदर आती है और वो लेडी को विलियम मॉरिस पहचान लेता है कि ये वही लेडी है, और वो उसको देखता है कि उस लेडी के जो कपड़े हैं कोई बहुत अच्छे नहीं है, मतलब अच्छे कपड़े हैं लेकिन पुराने हो चुके हैं, पर्स है अच्छी कंपनी का है, ब्रांडेड है लेकिन पुराना हो चुका है। तो वो देखता है कि ये शायद जो लेडी है कभी अमीर होगी, लेकिन अब तो सर्टनली श्योरली अब ये गरीब है। और वो जो लेडी होती है वो जो शॉप का डोर है उसको भी राइट हैंड से ही खोलती है, मतलब सारे काम राइट हैंड से उसने पहले किए होते हैं, जो विलियम मॉरिस ने उसको ऑब्जर्व किया होता है शॉप के बाहर भी अंदर आते वक्त भी। लेकिन जब वो अंदर आ जाती है और टेबल के ऊपर एक अपने पर्स में से एक पैकेट निकालती है, तो वो अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करती है पैकेट निकालने के लिए, और पैकेट उसके सामने रख देती है। पैकेट में से एक ब्रोच निकलता है, एक फिलीग्री ब्रोच इन्होंने लिखा हुआ है, फिलीग्री होता है कि जो सिल्वर की वायर्स से बना हो, सिल्वर की वायर्स का बना हुआ ब्रोच वो रखती है। अब वो जो ब्रोच है बहुत ही नॉर्मल सा ब्रोच है, बड़ा ही सस्ती सी ज्वेलरी है वो, और वो उसको देखता है विलियम मॉरिस, तो पूछता है कि इसका करना क्या है, तो वो कहती है कि मैंने इसको रिपेयर करवाना है। तो वो विलियम मॉरिस उसको कहता है कि यहाँ पूरे शहर को पता है कि हम जो रेगनियर्स शॉप है हम रिपेयर्स नहीं करते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत महंगी ज्वेलरी जो है वो बिकती है, हम रिपेयर का काम बिल्कुल नहीं करते, तो आपको कैसे ये बात मतलब नहीं पता। तो वो लेडी कहती है ठीक है, और वो जो पेपर रैप जिसमें से उसने ब्रोच निकाला होता है वो पेपर रैप करके दोबारा से अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करते हुए उसको पर्स में रखने लगती है, और जानबूझ के उसको पेपर को ज़रा सी आम मार देती है अपनी, और वो जो पेपर है वो नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। अब जब वो पेपर ज़मीन पे गिरता है तो उसको समझ आ जाती है, विलियम मॉरिस को सारी बात उसको समझ में आ जाती है कि क्या हो रहा है। अब विलियम मॉरिस जैसे ही खड़ा होता है वो ब्रोच और पेपर को उठा के, तो वो जो लेडी है वो वहाँ से ब्रोच लेके जाने लगती है और वो उसको रोक लेता है। तो वो लेडी ऐसे शो करती है कि जैसे उसने सुना ही नहीं है। तो फिर विलियम मॉरिस उसको वार्निंग देता है कि अगर तुम ना रुकी तो हमने दुकान के अलार्म बजा देने हैं, और सारे जो शॉप का जो गेट है वो बंद हो जाएगा। ये बात सुन के लेडी डर जाती है और रुक जाती है, और जैसे ही वो रुकती है तो विलियम मॉरिस उसको कहता है कि तुम्हारी लेफ़्ट हैंड साइड पॉकेट, जो कोट की लेफ़्ट हैंड साइड पॉकेट है उसके अंदर हमारी जो रिंग है वो है, उसको निकाल के दे दो, अदरवाइज़ की जो हमें पुलिस को बुला लेंगे। तो लेडी जो है वो डर जाती है और वो अपनी लेफ़्ट हैंड साइड पॉकेट में से रिंग निकाल के विलियम मॉरिस को दे देती है, और वहाँ से ऐसे भागती है जैसे कि दुकान में आग लगी हो।
इतने में जो रेगनियर है वो और उसके साथ जो अमेरिकन है वो ऑफिस में से बाहर निकलते हैं, और अमेरिकन बहुत खुश नज़र आ रहा है क्योंकि उसके पास से रेगनियर को कुछ मिला नहीं। तो अमेरिकन बड़ा सेटिस्फाइड है क्योंकि उसको लग रहा कि मैं तो बच गया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन और जो मिस्टर रेगनियर हैं वो बेचारे बहुत दुखी हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। तो जैसे ही मिस्टर रेगनियर और अमेरिकन बाहर आते हैं तो विलियम मॉरिस अपना हाथ खोल के दिखाता है, तो उसमें वो वाली फ्लावर रिंग होती है, और मिस्टर रेगनियर जो है वो खुश हो जाते हैं। जैसे ही वो अपनी रिंग वो उसको दिखाता है तो इतने में वो जो अमेरिकन होता है वो भी भाग जाता है दुकान में से। ठीक है, तो बाद में मिस्टर रेगनियर उससे पूछते हैं कि ये सब कुछ हुआ क्या है, तो विलियम मॉरिस उनको सारी स्टोरी बताता है। कहता कि ये दोनों मिले हुए थे आपस में और इन दोनों ने मिलकर ये चोरी की है। कहता पहले वो लेडी दुकान के बाहर खड़ी होकर सारी दुकान को वो हमारा ध्यान अपनी तरफ कर रही थी, और अपना और इतनी और ध्यान और सॉरी और शॉप को ऑब्जर्व भी कर रही थी। तो वो कहता कि इतनी देर में जब ये अंदर आता है तो ये हमसे ज्वेलरी डिमांड करता है, जबकि इसको ज्वेलरी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। और वो कहता कि जब नॉर्मली हमारे पास अमेरिकन कस्टमर्स आते हैं तो उनको ज्वेलरी के बारे में नॉलेज होती है, और वो बहुत ही फंकी जो ज्वेलरी है वो हमसे डिमांड करते हैं। कहता फिर हमारी दुकान पे फिर वो अमेरिकन आता है, और अमेरिकन जैसा एक्चुअली वो बिहेव करता है पर एक्चुअल में वो अमेरिकन था नहीं। कहता हमारी दुकान पे जब भी कोई अमेरिकन कस्टमर आता है तो वो हमसे बहुत मॉडर्न ज्वेलरी डिमांड करते हैं, उनको ज्वेलरी की नॉलेज होती है, लेकिन इसको तो ज्वेलरी की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। कहता इसलिए फिर मुझे इसके ऊपर शक हुआ, और कहता थोड़ा सा शक मुझे उस लेडी के ऊपर भी हुआ कि वो अंडरटेकर की शॉप के बाहर खड़ी होकर कर क्या रही है। इतने में कहता इसने मुझसे आके रिंग्स डिमांड की, और जब इसने मेरे से फोर्थ ट्रे डिमांड की और मैंने इसको फोर्थ ट्रे निकाल के दी और ऊपर देखा तो वो वहाँ से वो रिंग गायब थी। और जब हमने इसके ऊपर अमेरिकन के ऊपर शक किया तो इसकी चिंगम च्यू होना भी बंद हो गई, इसने चिंगम को चबाना बंद कर दिया। और कहता मैंने सोचा कि इसने चिंगम को फेंका कहाँ है, ये तो यहाँ से अभी तक हिला नहीं है, और ये उसको स्वेलो कर गया हो। वो कहता स्वेलो यानी निगल जाना, निगल गया हो। कहता ऐसा भी मुझे ठीक नहीं लगा, तो कहता मुझे उस वक्त इसके ऊपर शक हुआ। उसके बाद कहता कि आप इसको अंदर ले गए इसकी तलाशी के लिए, और इतने में सेम लेडी हमारी दुकान पे आ गई रिपेयर की, ब्रोच की रिपेयर के लिए। अब वो कहता सारे शहर को पता कि हम रिपेयर नहीं करते, फिर वो यहाँ क्यों आई। और कहता फिर जब उसने जानबूझ के ब्रोच जिस पेपर में रैप था उस पेपर को धक्का मार के नीचे फेंका, कहता उस वक्त तो सारी बात मेरी समझ में आ गई कि इसने जानबूझ के फेंका है, इसने राइट हैंड से पहले सारे काम किए, डोर खोला शॉप का, और जब हमारी यहाँ पे आई है तब इसने लेफ्ट हैंड यूज़ किया। तो इट मीन्स इसने लेफ्ट हैंड पॉकेट में, कोट की लेफ्ट हैंड पॉकेट में उस रिंग को रखा। और कहता फिर वो जब जाने लगी तो मैंने उसको रोक लिया, और जब मैंने उसको धमकी दी कि पुलिस को बुला लेंगे या अलार्म बजा देंगे तो फिर उसकी लेफ्ट पॉकेट में से वो रिंग निकल आई। और कहता आप देखो ये अमेरिकन भी यहाँ से भाग गया। कहता एक्चुअली हुआ ये कि इसने वो जो च्युइंगम थी उसको काउंटर के नीचे चिपका दिया, और उसमें उस रिंग को जो उसने उठा ली थी काउंटर के ऊपर से, जब मैं फोर्थ ट्रे उठाने के लिए झुका तो उस रिंग को उस च्युइंगम के बीच में स्टक कर दिया, चिपका दिया। तो उस लेडी को ये प्लान पहले से ही पता था, वो लेडी आई और उसने अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करते हुए वो च्युइंगम के बीच में से रिंग को निकाल लिया उतनी देर में जितनी देर में मैं नीचे झुका उसका ब्रोच उठाने के लिए, और निकाल के उसने अपनी लेफ्ट हैंड पॉकेट में डाल लिया। और मैंने कहता ये सारे फैक्ट, ये सारी सच्चाई, ये सारी कड़ियाँ उस वक्त मेरे दिमाग में अपने आप जुड़ गई जब उसने धक्का मार के ब्रोच, और ब्रोच मतलब वो पेपर जिसमें ब्रोच रैप था उसको नीचे फेंका। कहता उस वक्त सारी बात मेरी समझ में आ गई कि आपस में दोनों मिले हुए हैं, और वो जो अमेरिकन एक्सेंट में बोल रहा है वो भी एक्चुअली अमेरिकन नहीं है, दोनों चोर हैं। तो इस बात पे जो मिस्टर रेगनियर हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत उनको प्राउड फील होता है विलियम मॉरिस के ऊपर, और सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें इस बात की होती है कि जिस रिंग को वो इतना प्यार करते हैं उनको वो रिंग जो है वो मिल गई है। ठीक है, सो ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। इस चैप्टर में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आप इस चैप्टर की थॉरो रीडिंग करोगे तो देर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस। फाइन, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। जल्दी ही मैं लंचन चैप्टर की समरी लेके भी आ रही हूँ। बाय।